निवेदन है कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान अमित गुप्ता जी का इस वक्त, जिसका इंतजार हम लोग इतने देर से कर रहे थे। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं बैरकपुर के लोकप्रिय विधायक, युवा नेता राज चक्रवर्ती। राज चक्रवर्ती के लिए एक बार जोरदार ताली उनके स्वागत में। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आज जिसके उपयोग से, जिसके मेहनत करके इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, तापस भगत जी, मैं अनुरोध करूंगा तापस भगत जी उत्तरीय पहनाकर राज चक्रवर्ती जी को सम्मानित करें। फूल का बुके देकर राज चक्रवर्ती जी को सम्मानित करें। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप के साथ मेडिकल चेकअप कैंप के साथ 5000 वृक्ष का भी आज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये राज चक्रवर्ती जी के कर्म कमलों से इसका उद्घाटन होगा। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं राज चक्रवर्ती जी। आज मैं अनुरोध करूंगा राज चक्रवर्ती जी भी डोनर और मेडिकल चेकअप कैंप में जाकर विजिट करेंगे, पर अपना वक्तव्य रखने के बाद हम लोग जब भी बैरकपुर स्टेशन परिसर से गुजरते हैं, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई समाज सेवा का काम करता है, कोई नहीं भी कर पाता है, कोई रोजमर्रा की जिंदगी में भी व्यस्त रहता है, किंतु देशभक्ति का भावना हर भारतीय के अंदर होता है। तो बैरकपुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे हिस्टोरिकल साथ देश का शादी होने के साथ बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, तो मैंने मुझे लगा कि इस शहर को बहुत अच्छा करना है। तो जैसे 2 अक्टूबर को पहले गांधी जी का बर्थडे, से पहले हम चिड़ियापुर में गांधी जी का ये बना रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं। हो सके मैं कोशिश करूंगा कि 2 अक्टूबर से पहले हो जाए वो चीज। हमने उसको लिया है, वही प्रोग्राम शुरू किया है कि एकदम चिड़ियापुर के एकदम जहाँ पे आपका ट्रैफिक का क्योर्स है, वहां पे हमने गांधी जी का मूर्ति लगा रहे हैं, क्योंकि बैरकपुर में गांधी जी का नाम शुरू गाने जाते हैं। गांधी घाट है और गांधी जी का गांधी सड़क भी है यहाँ पे। नेताजी का एक स्टैचू भी हम बनाएंगे चिड़िया स्टेशन रोड के, वहां पे स्टेशन के सामने हमने उनको किया है कि पूरा चिड़ियापुर से लाल कुटी तक हम उनको सजाएंगे, बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे। कोशिश करेंगे इस साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, एक अलग बैरकपुर दिखने लगे। हम लोगों ने वो काम शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा कि जो हम भोजपुरा रोड कितना खराब हालत था, वो ठीक कर दिया हम लोगों ने, सब कोशिश करके सीएम से बात करके वो हो गया है। बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा जो वायरलेस रोड से लेके ब्रिज तक जो रास्ता है, वायरलेस का मेन बैरकपुर रोड जो है, 12-7 रोड जिसको बोलते हैं, वो 6 लेन होने का भी बात चल रहा है। हो सकेगा इस साल में ये पूरा हो जाएगा। देखिए मैं एमएलए बना हूँ आप लोगों की वजह से, और मेरा काम है इस शहर को आगे लेके जाना, तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ पॉलिटिकल बात करके और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करके हम चुप नहीं रहेंगे। हम कोशिश करेंगे सबका साथ लेके, सबका साथ मिलके इस शहर का, आप लोगों का कुछ अगर उन्नयन हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसलिए शामिल होता हूँ, तापस का कोई भी काम, अमित का कोई भी काम होता है तो मैं यहाँ जाता हूँ। इसी तरह से मैं रहूंगा आप लोगों का साथ। आप लोग इस तरह से सबका भला कीजिए और आप लोग खुश रहिए, सबको खुश रखिए। शुक्रिया। হিন্দি প্রকোষ্ঠের তরফ থেকে পুরো জেলাতেই এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং বৃক্ষরোপণ হচ্ছে, এই পুরো উদ্যোগটা নিয়েছেন আমাদের হিন্দি প্রকোষ্ঠের জেলার যে প্রেসিডেন্ট অমিত গুপ্তা, তিনি নিয়েছেন, এবং আমাদের ব্যারাকপুরের যে প্রেসিডেন্ট হিন্দি প্রকোষ্ঠের তাপস ভগত আজকে ব্যারাকপুরে করছেন, এবং সমস্ত কনস্টিটুয়েন্সিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং অমিত গুপ্তা হিন্দি প্রকোষ্ঠের তরফ থেকে আমার জেলাতে, আমি যতদিন ধরে আছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর অ্যাক্টিভিটিস করে, মানুষের জন্য কাজ করে, সবাইকে নিয়ে কাজ করে, কখনো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, কখনো বৃক্ষরোপণ, কখনো হেলথ ক্যাম্প, কখনো কম্বল দান, সব সময় কিছু না কিছু করতে থাকে। আমার খুব ভালো লাগে, তাই আমি সবসময় ওদের পাশে থাকি। যে কোনো মানুষ যে যদি কোনো মানুষের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এগিয়ে আসে, আমি তার পাশে আছি আর পাশে থাকবো। সেখানে কখনো রাজনৈতিক দল বা কোনো কিছু দেখা হবে না, আমি সবসময় তাদেরকেই পছন্দ করি বা তাদের সঙ্গে থাকতে চাই বা তাদের পাশে আমি
আসতে চাই যে যারা মানুষের উপকার করে, মানুষের উপকার করছে। হ্যাঁ, আমি বলতে কমপ্লিট করে নেওয়ার পরে তোমার ভেতরে যেটা আছে সেটা বলবে, ঠিক আছে? এবং তাপস, এখানে প্রচুর তাপস ভাগাত ব্যারাকপুরে, এখানে প্রচুর গরিব বাচ্চাদেরকে নিয়ে পড়াশুনো করায়, তাদেরকে নানা রকম ভাবে সুযোগ সুবিধা করে দেয়, আমি তাই সবসময় দেখা বলো। এবার দেখো, ইন্ডিয়া হচ্ছে আমাদের মানে মানে এই শব্দটা হচ্ছে আমাদের গর্বের শব্দ, এই এটা আমাদের দেশ, আর এই শব্দটা আমাদের সবার প্রথম। আমরা যে কোনো ইমোশন, আমার ইমোশনালি এই শব্দটার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছি আমরা, এবং তাই গাছের মধ্যে, সব কিছুর মধ্যে, প্রাণের মধ্যে ইন্ডিয়া থাকবে আর কি। তাই তাপস এবং অমিত মিলে এখানে উদ্যোগের মধ্যে নিয়েছে যে 5000 বৃক্ষরোপণ করা হবে, তার মধ্যে ইন্ডিয়া লেখা চেষ্টা করা হবে যতটা পারা যায়। সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে, সবাই সবার অঞ্চলে গিয়ে সেই গাছ রোপণ করবে ঠিক মতো জায়গায়, এবং পরিচর্যা করবে, জল দেবে, এবং যাতে এই গাছ বড় হয়ে যখন আমাদেরকেই বাঁচাবে আর কি, সেই উদ্যোগটা ওদের এখন থেকে নিয়েছে। এই ছোট গাছটি হয়তো 2-4 বছর পর অনেক মানুষের উপকারে আসবে। Thank you.